हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंगी जे आर एन में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एयरफोन्स जो अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट हुआ करते थे, जो हमने यूज़ किया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये तकरीबन 5 साल से हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये जो प्रोडक्ट है, बोट 600 HD करके हेडफोन हुआ करता था, उस समय काफ़ी पॉपुलर था। इसकी जो साउंड क्वालिटी थी दोस्तों, अपने आप में बेस्ट थी, और अभी भी जो फ़िलहाल कंडीशन है, इस कंडीशन में भी जो ये हेडफोन है, पूरी तरह से उसी तरह से जो इसकी म्यूज़िक साउंड क्वालिटी है जो पहले हुआ करती थी। अब इतने सालों के बाद भी जो है दोस्तों, किसी हेडफोन का काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस हेडफोन की जगह पर अगर हम किसी दूसरे हेडफोन्स को रखना चाहेंगे तो वो हम किस हेडफोन को रखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों, इस हेडफोन की बात अगर करें तो इसमें हमें अच्छा खासा बैटरी बैकअप, उसके अलावा जो है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती थी। लेकिन इसके जो एयर कप, एयर कुशन थे, वो बहुत जल्दी ख़राब हो चुके थे, जो आप देख सकते हैं। मैंने दूसरे जो है इसमें लगाए हुए हैं, तो ये इसके अंदर एक बात थी जो कि हर हेडफोन में तकरीबन ऐसे ही होता है, एयर कप ज़्यादातर जो है हेडफोन के ख़राब हो जाते। तो इसकी जगह पर दोस्तों, हम कौन से हेडफोन को ले सकते हैं फ़िलहाल की कंडीशन में, हमारे पास जो सबसे पहला हेडफोन है दोस्तों, वो है बोट रॉकर्स 650। देखते हैं दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी बैटरी बैकअप आपको 60 हॉर्स मिलता है, जो कि आप 60% वॉल्यूम पर ही उसको अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए जो है आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, और चार्जिंग पोर्ट इसमें टाइप सी आपको देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग को ये हेडफोन जो है सपोर्ट करते हैं, यानी आप अगर 10 मिनट चार्ज करते हैं तो हेडफोन जो है 8 घंटे के लिए जो है प्लेबैक टाइम आपको आसानी से दे सकते हैं। इसमें जो ड्राइवर है दोस्तों, वो आते हैं 14 mm ड्राइवर, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से हमने आपको हमारा जो ओल्ड प्रोडक्ट था वो बताया, काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, इसमें एक स्मार्ट ट्विस्ट फंक्शन मिलता है, अगर आप हेडफोन निकाल कर उसे ट्विस्ट करते हैं तो सॉन्ग पॉज हो जाता है, और अगर आप फिर से हेडफोन को पहनते हैं तो सॉन्ग प्ले हो जाता है। डुअल इक्वलाइजर आपको इसमें देखने को मिलता है, बेस बैलेंस, साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 आपको इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये हेडफोन जो है 3 कलर में आता है, एक ब्लैक, रेड और ग्रीन। प्राइस इसकी आप देख सकते हैं, तकरीबन 1799 की प्राइस में आता है, जो कि बोट रॉकर्स 600 से तकरीबन बिल्कुल मेल खाता है। तो इस प्राइस पर ये जो प्रोडक्ट है, पूरी तरह से जो है दोस्तों जस्टिफाई करता है। इसी तरह से जो दूसरा प्रोडक्ट हमने रखा है, वो है हैमर बैश। अब ये एयरफोन अगर आप लुक को, बहुत ज़्यादा आपके लिए लुक मैटर करता है, तो इस हेडफोन की तरफ आप जो है जा सकते हैं। दोस्तों, इसका जो प्लेबैक टाइम है वो है दोस्तों 8 आवर्स, जो कि 60% वॉल्यूम पर ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, 2 आवर्स आपको जो है चार्जिंग टाइम इसमें लग जाता है। चार्जिंग पॉट इसमें माइक्रो USB मिलता है, फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्ट नहीं है, 14 mm ड्राइवर है, स्मार्ट ट्विस्ट को भी ये जो है सपोर्ट नहीं करता, किसी तरह का डुअल इक्वलाइजर इसमें नहीं आता, ब्लूटूथ 5.0 को ये जो है सपोर्ट करता है। कलर इसमें आपको ब्लैक और वाइट देखने को मिलेंगे, प्राइस भी थोड़ी इसकी ज़्यादा है। तो इस हेडफोन को तभी परचेज़ कीजिए जब लुक आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अदरवाइज़ बोट रॉकर्स 650 बेहतर ऑप्शन रहेगा। खत्म। तो दोस्तों, अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हम तकरीबन 1 साल से यूज कर रहे हैं दोस्तों, है वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड बेस एडिशन। ये अपने वक्त में काफ़ी अच्छा हेडफोन जो है दोस्तों था, नेक बैंड जिसे आप कह सकते हैं। सारे फंक्शंस आपको इसमें बेहतर मिलते हैं, साउंड क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, ऊपर का पोर्शन इसका काफ़ी अच्छा था दोस्तों, लेकिन जो नीचे जहाँ से वायर स्टार्ट होती है, गड़बड़ यहाँ पर कंपनी ने कर दी है। वायर की जो क्वालिटी है दोस्तों, काफ़ी डल है, 6 महीने में ही तकरीबन जो है वायर ने जवाब दे दिया था, जगह जगह से जो है ये पर ये चिपक भी रही है, और बहुत ही घटिया क्वालिटी की कॉर्ड आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही थिन जो लेयर इसके ऊपर आप देख सकते हैं, वो कंपनी ने चढ़ाई है, जो कि बहुत ही आसानी से जो है दोस्तों पिघल रही है, आप देख सकते हैं हाथ पर चिपक भी रही है। अब ये जो हेडफोन है, इसकी जगह पर आप किस हेडफोन को जो है दोस्तों ले सकते हैं, जो कि नेक बैंड की तरह आप जिसे यूज़ कर सकते हो, रियल मी बर्ड्स वायरलेस 3।
इसमें आपको ANC भी मिलता है दोस्तों, प्लेबैक टाइम भी इसका जो है 14 hours आपको मिलता है, साथ ही साथ चार्जिंग टाइम भी इसका तकरीबन 1 घंटा है, और टाइप सी पोर्ट फास्ट चार्जिंग भी आपको इसके अंदर दोस्तों मिलता है, यानी आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 25 hours प्लेबैक टाइम मिलता है। उसी तरह से 13.6 mm आपको इसमें ड्राइवर देखने को मिलते हैं, ऐप सपोर्ट, साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.3 जो है इसमें सपोर्ट करता है, और कलर्स आपको ब्लैक एंड वाइट, येलो एंड ब्लैक और फुल ब्लैक, इस तरह से आपको इसमें कलर देखने को मिलते हैं। अब रियलमी का प्रोडक्ट क्यों हमने आपको रिकमेंड किया दोस्तों, उसकी एक वजह ये भी है जो हम पिछले 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, रियलमी के एयरफोन्स है, इसकी कॉर्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही गज़ब है, बहुत ही बेहतरीन है, और अच्छी तरह से ये एयरफोन आज भी जो है काम कर रहे हैं। लेकिन जो इसका नीचे का पोर्शन है वो ब्रेडेड केबल से बना हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं आप, जो कनेक्टर है उसकी भी जो क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, कहीं से किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ दोस्तों। अब यहाँ से जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पर कॉर्ड डिवाइड हो रही है, वो जो कॉर्ड है वो ब्रेडेड नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के दोस्तों, जिस तरह से वन प्लस की वायर गल गई थी उस तरह से इसका हाल नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पर माइक लगा हुआ है वहाँ से वायर ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी सी जो है बाहर की तरफ निकल गई थी, इसलिए उसको हमने ग्लू से चिपका कर काम चल रहा है। तो जो प्रोडक्ट है दोस्तों फ़िलहाल काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से, और कॉर्ड की क्वालिटी भी हमें अच्छी लगी, इसलिए हमने आपको जो है रियलमी का जो बर्ड्स है, नेक बैंड है, वो रिकमेंड किया। और इसकी जगह पर तो हम फ़िलहाल किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, इसी प्रोडक्ट को आप एज अ वायर्ड एयरफोन्स कंसिडर कर सकते हैं। Ready? और दोस्तों लास्ट जो प्रोडक्ट है हमारा वो है ओप्पो एंको बर्ड्स 2। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को भी हम तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, इसका जो केस है दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसे कुछ स्क्रैचेस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में इसका जो केस है वो है, और जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी पूरी तरह से सही तरह से वर्क करता है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों बेहतरीन है, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जो हमारे एयरबड्स रखे गए हैं और जो अंदर का एरिया है वो भी काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा जो है इसमें डर्टनेस आ जाती है दोस्तों वक्त के साथ, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, ना ही इसके जो ओपन क्लोज में शटर में कोई प्रॉब्लम आई है हमें, और साउंड क्वालिटी है जिस तरह से पहले थी उसी तरह से अभी भी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हालांकि स्क्रैचेस इसके ऊपर आ जाते हैं माइनर, जो मैट एरिया है उस पर आपको कुछ स्क्रैचेस दिखाई देंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों सेल में आपको 103,000 में मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पॉइंट होता है। फ़िलहाल इसमें आपको 2 कलर्स अवेलेबल है जो आप फ्लिपकार्ट पर देख सकते हैं, एक है लेमनिश कलर और दूसरा है ब्लैक, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट की जगह पर भी दोस्तों हम आपको, हालांकि रियलमी का जो टेक लाइफ का प्रोडक्ट है T100 करके, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी इसके मुकाबले थोड़ी सी कम मुझे लगी, कुछ ज़्यादा जो है उसके अंदर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।